आदर्श मिश्रा। और आज हम जो बात करने वाले हैं बेसिकली वो हम जीएस के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के ऊपर। तो आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसपे कुछ डिस्कशन किया जाएगा, जो कि ये क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आप एक डायग्राम देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसे आप जान लें कि इसमें हमने बहुत अच्छे से जो है पूरे डिटेल में समझाने के लिए आपको ये जो है इमेज डायग्राम प्रेजेंट किया है। तो इसको आप लोग देखते रहें। इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन दिया गया हुआ है, चार ऑप्शन दिए गए हैं और आंसर भी मैंने बताया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो चार ऑप्शन है, कोलंबिया, सांप पठार, कोलोराडो पठार, डेक्कन पठार, तिब्बती पठार। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही है। ऑप्शन डी क्यों क्यों सही है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसलिए सही कि तिब्बत का पठार जो है मध्य एशिया में स्थित एक ऊंचाई वाला विशाल पठार है, और इस यह दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में दखला मकान रेगिस्तान तक जो है विस्तृत बहुत भारी है। यहाँ की जो औसत ऊंचाई समय से हम मानते हैं तकरीबन 4500 मीटर है, और अगर फीट में बात करते हैं 14,800 फीट है, और यह विश्व के 8,000 मीटर से ऊंचे सभी 14 पर्वत इसी क्षेत्र में, इसे जो है इर्द गिर्द में, इसी के आसपास में पाए जाते हैं। इस इलाके को कभी कभी जो है आप लोग सुनते होंगे दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी सही है। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे हम डिस्कशन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें दिया गया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो पहला ऑप्शन से उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रृंखला है जो इस पठार और तारिम द्रोणी के बीच है। सेकंड ऑप्शन है, पूर्व में दक्षिण पूर्व में खुले पठार की वजह जंगलों की से ढकी घाटियां हैं, जहाँ से एशिया की बहुत सी प्रमुख नदियां शुरू होती हैं, जैसे सालविन नदी, मीकांग नदी और यांगत्से कैंग। तो इसमें आपको ऑप्शन में देखने के ऊपर में कौन सा कथन जो है तिब्बती पठार के संदर्भ में सही है। तो चार ऑप्शन दिए गए हुए हैं, ओनली वन, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो होगा थर्ड होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आंसर करेक्ट हैं, जो कि आप स्क्रीन पर, आप डिस्प्ले पे ऑप्शन देख भी सकते हैं। ऑप्शन मैंने दिखाने की कोशिश की है, और हम इसका डिस्कशन करेंगे तो इसको डिटेल में बताएं कि क्यों सही है। तो आप लोग ये जाने की कोशिश, तिब्बत का पठार जो है महान पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, और उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रृंखला है, और इस पठार की और जो है तारिम द्रोणी के बीच है, और इसमें अगर हम बात करते हैं तो पूर्वोत्तर में चिलियन पर्वतमाला इसे गोबी रेगिस्तान से विभाजित करती है, पूर्व और दक्षिण पूर्व में खुले पठार के बजाय जंगलों से ढकी घाटियां हैं, जहाँ से एशिया की बहुत सी जो नदियां शुरू होती हैं, जैसे कि सालविन नदी, मिंकांग नदी और यांगत्से क्यांग ये जो है। और हम बात करते हैं तो भारत की, तो भारत की महत्वपूर्ण ब्रह्मपुत्र नदी भी दक्षिण तिब्बत से ही शुरू होती है, इसलिए जो है इसका आपका ऑप्शन सी सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। तो कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, अर्जेंटीना और पेरू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो ऑप्शन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जबकि पहला ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन मेक्सिको, ये दो ऑप्शन हमेशा पूछे जाते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, और क्यों होगा तो इसके बारे में आपको बता दें कि ऑप्शन ए जो है क्यों होगा तो इसके बारे में डिटेल में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये कि कोलंबिया का पठार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और इसे जो है विश्व में जो कोलंबिया का पठार है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। देन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, जो कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा पठार उत्तर और पूर्व से राकी पर्वत से, पश्चिम में ग्रेट बेसिन और दक्षिण से सोनोरन रेगिस्तान से घिरा हुआ है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो पठार, डेक्कन पठार, तिब्बती पठार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, जो कि कोलोराडो पठार है, और इसको अगर हम डिटेल में डिस्कशन में जाएं तो यहाँ पे इसका रीजन ये है कि कोलोराडो पठार उत्तर और पूर्व से राकी पर्वत से, पश्चिम में ग्रेट बेसिन और दक्षिण से सोनोरल रेगिस्तान से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है।
देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस पठार को कनाडियन सील्ड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, कंटगा पठार, मास्कारेन पठार, लॉरेंटियन पठार, पटगोनियन पठार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है सी, लॉरेंटियन पठार। लॉरेंटियन पठार को आप कनाडियन सील्ड के नाम से जानते हैं। देन हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन कहता है 6 नंबर जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं, ऑप्शन से पहले आपको जो है जो हमारा कथन है जिस पे बात करें, तो इसमें पहला है यह रेगिस्तान जेरिक के झाड़ीदार जमीन और पर्वत श्रृंखलाओं के आसपास देवदार और बलूत के जंगलों से घिरा है। सेकंड है पश्चिम सियारा माद्रे और पूर्वी सियारा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है, फर्स्ट या सेकंड, या फर्स्ट एंड सेकंड, या नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड। तो इस तरीके क्वेश्चंस में आपके मैक्सिमम आंसर सही होते हैं जो कि बोथ फर्स्ट और सेकंड, जो कि यहाँ पर भी आपका वही क्वेश्चन सही है। आप देख सकते हैं वही ऑप्शन आपका सही है। तो क्यों सही है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर डिस्कशन में जो हमारा मेन पॉइंट है, तो मैक्सिकन पठार पश्चिम सियारा माद्रे और पूर्वी सियारा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है, या पश्चिम सियारा माद्रे और पूर्वी सियारा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। एक बड़ा शुष्क और अर्ध शुष्क पठार है जो उत्तर और मध्य मैक्सिको के पठार के अधिकांश हिस्से में जो है फैला हुआ है। अगर हम बात करते हैं तो यह पश्चिम सियारा माद्रे और पूर्वी सियारा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य में जो है स्थित, मतलब मिडिल में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पठार टिन के खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि टिन के पठार के खानों से मशहूर पठार का नाम बताइए, कहाँ पे वो है, कौन से पठार है, उन्हें क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो दिए रहते हैं कि आल्टीप्लानो पठार है, बेलिविया का पठार, देन मैसिव सेंट्रल, अनातोलियन पठार, स्पेन का पठार है इबेरियन पठार। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला जो है आल्टीप्लानो पठार है, बेलिविया का पठार जो है सही है। ये क्यों सही है तो आपको ये भी बता दें कि बोलिविया का पठार जो है बोलिविया राज्य की एंडीज पर्वतमाला, मतलब एंडीज माउंटेन रेंज जो है उसमें जो है फैला हुआ है, और ये पठार बोलिविया का पठार जो है कहलाता है। इस क्षेत्र में टिन बहुत ही अधिक मात्रा में जो है मिलती है, और चांदी की विश्व प्रसिद्ध जो है पोटिसी खान जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा जाना जाता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए सही है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो 8 क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अंगोरा बकरियों के लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन दिया गया हुआ है। तो अंगोरा बकरियां कहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, तो आप उनको भी ये चीज पता होगा कि अनातोलिया का पठार जो वहां पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो डिस्कशन में हम आपका बात करेंगे, तो अनातोलिया पठार जो है अनातोलिया के प्राचीन क्षेत्र का एक केंद्रीय, अगर हम बात करें केंद्रीय उपनगरीय क्षेत्र जो आज की तुर्की में स्थित है, जो तुर्की है तुर्की में जो है अनातोलिया पठार जो है स्थित है, वह सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले ऊनी बकरी यानी अंगोरा बकरियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ऊन का जो उत्पादन होता है यहीं पर होता है अनातोलिया के पठार पर। देन हम लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9th की बात करेंगे, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 9th जो है लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अपने अत्यधिक खराब मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। लुएस पठार, पोथोहार पठार, वेबेरियन पठार, अहगार पठार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही, लुएस पठार। तो इसके डिटेल में हम जाते हैं, तो लुएस पठार या हुआगंतु पठार जो है, हुआगंतु पठार जो चीन की पीली नदी के ऊपर और मध्य भागों में फैला हुआ है, ये लगभग 6,40,000 स्क्वायर फीट किलोमीटर में ये पठार फैला हुआ है, सबसे बड़ा पठार है। लोएस एक प्रकार की बारीक रेतीली मिट्टी होती है जिसको जो है कहते हैं, तो जिससे आंधियों ने युगों के काल में जो है पठार पर परत बिछा दी थी, समझिए। तो इसलिए जो है ये आपका ऑप्शन जो ए सही है।